दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरें कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर फ्रांस से जुड़ी हुई है और इसमें हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से फ्रांस ने भारत में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजा, वह भी एक ऐसे हालात में जब फ्रांस भीषण और अनियंत्रित दंगों की वजह से पिछले कई दिनों से जल रहा है। वहीं पर हमारी अगली खबर SCO की मीटिंग से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत ने एक ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिस पर बाकी सभी SCO साइन कर चुके हैं। साथ ही इस एग्रीमेंट को लेकर चीन और रूस दोनों ही काफी उत्साहित थे, पर भारत ने सभी को झटका देते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों फ्रांस में हो रहे दंगों को लेकर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज कवर कर रहे हैं, और अगर आप इन सभी न्यूज को डेली फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ कुछ ही दिनों में PM नरेंद्र मोदी फ्रांस के नेशनल डे परेड के लिए रवाना होंगे, जहां पर उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर रिसीव किया जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्रांस अभी तक अपने दंगों पर काबू पाने में असफल रहा, इसीलिए इसने भारत के सामने कई सवाल खड़े कर दिए कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री को फ्रांस भेजते हैं तो जहां पर पिछले काफी दिनों से दंगे अनियंत्रित चल रहे हैं, तो क्या ये उनकी सुरक्षा पर बड़े सवाल नहीं खड़े करेगा? क्योंकि आखिर हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी और सैनिक होने के बावजूद फ्रांस अपने देश के दंगों को काबू नहीं कर सका, जिसकी वजह से आज भी फ्रांस के शहर जल रहे हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरे हुए हैं। तो आखिर ऐसे में क्या फ्रांस नेशनल डे का आयोजन कर भी पाएगा या फिर नहीं? बता दें कि भारत की इन सभी चिंताओं को फ्रांस भी अच्छे से समझ चुका था, इसीलिए फ्रांस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत अपने NSA को भारत भेज दिया, ताकि वह भारत आकर सही तरह से बातचीत करे और हमें इस बात का आश्वासन दिलाए कि फ्रांस में PM मोदी की सुरक्षा पर कोई भी चूक नहीं की जाएगी और वह समय रहते इन दंगों को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। आपको ये बात जानकर भी काफी खुशी होगी कि इस बार फ्रांस के नेशनल डे परेड में भारतीय सेना का एक कंटिजेंट यानी मार्चिंग दस्ता भी हिस्सा लेगा, साथ ही फ्रांस के आसमान में भारतीय राफेल विमान भी उड़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए फ्रांस चाहता है कि इन दंगों को समय रहते काबू किया जाए और हालात इतने अच्छे हो जाएं कि PM मोदी बिना किसी परेशानी या चिंता के फ्रांस पहुंच सके, क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों के लिए एक काफी बड़ा इवेंट साबित होगा। यही वजह है कि अचानक से फ्रांस ने अपने NSA को भारत भेजा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर SCO समिट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने चीन की तरफ से लाए गए एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया और अब भारत की वजह से ही चीन का सबसे महत्वपूर्ण प्लान बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अगर भारत इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देता तो 2030 तक चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता था, साथ ही चाइनीज करेंसी युआन की ताकत भी आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन की तरफ से प्रपोज किए गए SCO इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका मुख्य मकसद चीन और सभी संघाई सहयोग संगठन के देशों का आर्थिक विकास था। पर इसका एजेंडा भारत अच्छे से समझता है कि इस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल से चीन अपने आर्थिक क्षमता को दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश डेवलपमेंट के नाम पर चीन से कर्ज ले और उस कर्ज के तले दबकर वह चीन की हर बात मानना शुरू कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम BRI और CPEC के साथ देख सकते हैं। हालांकि इस नई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी से साल 2030 तक चीन की आर्थिक ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि चाइनीज करेंसी डॉलर को टक्कर देने में सबसे आगे होती। पर अब क्योंकि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक भारत ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, इसीलिए चीन को एक काफी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भारत के इस फैसले से रूस भी खुश नहीं होगा, क्योंकि रूस इस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का पूरा समर्थन कर रहा था। वह इसलिए क्योंकि आज पश्चिमी देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और उनके पास मुद्रा के तौर पर चाइनीज युआन एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसके इस्तेमाल से रूस दुनिया भर के देशों के साथ आसानी से ट्रेड कर सकता है। वहीं पर अगर चाइनीज करेंसी मजबूत होगी तो ये रशियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात होती, इसीलिए रूस चीन द्वारा प्रपोज किए गए इस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का पूरा समर्थन कर रहा था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस महत्वपूर्ण इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी पर भारत के हस्ताक्षर न करना दुनिया भर के देशों के सामने ये बात साफ करता है कि हम चीन के सामने खड़े होने का दम रखते हैं और किसी भी पॉइंट पर जाकर भारत ऐसी योजनाओं को स्वीकार नहीं करने वाला जो भारत के हितों के लिए खराब साबित होगी, जिससे ये बात भी साफ होती है कि आज भारत की विदेश नीति अपनी ताकत के चरम पर है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करती है और ये हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से इस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी पर भारत ने हस्ताक्षर ना करके सही किया या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद।